करने के लिए तैयार हैं जी। प्रेमी अविनाश वधवा इंसान बोहर से ये आज्ञा कर मिल लें जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। भोले प्राणी होश संभाल, लूट रहे ठग तेरा माल, मन माया तुझको भरमाने लगे हैं, खुद को संभाल बिछाया, काल ने सुने है राजा। भोले प्राणी होश संभाल, चोर तेरे पीछे लगे हैं, पांच चोर तेरे पीछे लगे हैं, कीमत पूंजी दिन रात ठगे हैं, कीमत पूंजी दिन रात ठगे हैं, इनके जाल में जो फंस जाता वो ठोकर खाए इंसान। भोले प्राणी होश संभाल, दुश्मन भारी, क्रोध से बढ़कर ना कोई बीमारी, क्रोध की अग्नि में जो जीव जलता उसका मिट जाए नाम निशान। भोले प्राणी होश संभाल, ने लूटे विद्वान ज्ञानी। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम। प्रेमी गुरु नवीन सांपति लाइन ब्लॉक से भजन बोलने के लिए आ जाएं। जो भी साधन पंडाल से बारह कृपया जल्दी से मंदिर इस पंडाल में आकर बैठे और जो आकर कृपया सभी प्रेम से अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। गुरु जी शेष पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलने लगे।
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी गुरु नया भिंसा बटरलाइन ब्लॉक से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनका भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सोने नैना वालिया मार निशाना तीरदा, सोने नैना वालिया मार निशाना तीरदा, शकत नाम जी प्यारिया मार निशाना तीरदा, भज न सकदा प्रीत माम, भज न सकदा प्रीत माम, कैदी प्रेम जंजीरदा, सोने 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 हाँ, शासत नाम जी प्यारिया मार निशाना तीरदा। हसरत मेरी रोड दे खैर पाके दरों तोर दे जी, तोर दे तोर दे खैर पाके दरों तोर दे, या कासा अज मेरा तोड़ दे या कर जकम फकीर दा, सोने 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 हाँ, शाह सतनाम जी प्यारे या मार निशाना तीर दा। क्यों तोड़दा है मुखड़ा पीर क्यों मोड़दा है जी, मोड़दा है मुखड़ा पीर क्यों मोड़दा है, कानू खून न चोड़दा है मैं प्रेमी बेतकदीर दा, सोने 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 हाँ, शाह सतनाम जी प्यारिया मार निशाना तीर दा। क्यों चित चालिया मैनू दिलों क्यों भुला लिया क्यों मैनू दिलों भुला लिया, रूने रब नू पालिया, रूने भी रब नू पालिया, देखो दर्शन करके पीर दा, सोने 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 हाँ, शाह सतनाम जी प्यारिया मार निशाना तीरदा, सोने नैना वालिया मार निशाना तीरदा, भज न सकदा प्रीत मां, भज न सकदा प्रीत मां, कैदी प्रेम जंजीरदा, सोने 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 शाह सतनाम जी प्यारिया मार निशाना तीरदा, मार निशाना तीरदा, मार निशाना तीरदा। धन धन सतगुरु तेरा ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है,
नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। लाख चौरासी में चक्कर लगाया जी, कष्ट उठाया जी, बड़ा दुख पाया, मानस जन्म कहीं फिर हाथ आया, मानस जन्म कहीं फिर हाथ आया। खाने सोने में से, खाने सोने में इसे जाता गुजारी है, क्यों जाता गुजारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। जो आया मन ने बुलाया जी, किस लिए आया ना समझ है पाया, माया का जाल चोग विषयों का पाया, माया का जाल चोग विषयों का पाया। फंस गया जो इसमें, फंस गया जो इसमें, फंस गया जो मार सके ना उधारी है, जी हो गई लचारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। माया परिवार का जो करता अहंकार है, ये झूठा प्यार है, ये दिन दो चार है, जगत सराय एक झूठा संसार है, जगत सराय एक झूठा संसार है। सपने के पीछे लग, सपने के पीछे लग उम्र गुजारी है, जी व्यर्थ गुजारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। शिकारी तेरे पीछे लगा है, ना तू भगा है ना कोई जगा है, काल से बचने की नाम ही दवा है, काल से बचने की नाम ही दवा है। शाह सतनाम जी, शाह सतनाम जी रोज पुकारी है, जी रोज पुकारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की बारी है, ये मिलने की बारी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजनवाजी प्यारी सत्संग जीओ,
मालिक की याद में जो क्षण गुजरते हैं वो क्षण पूरी जिंदगी इंसान की बदल देते हैं। उसकी याद में समय लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसको उसकी याद आती है अल्लाह की वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की, वो अति भाग्यशाली है, कर्मों वाला है और दोनों जहां में उसका नाम रोशन होता है। इंसान चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है। कोई कहे कि तू अभाग्यशाली है, निर्भागा है, टेंशन ना लो, आप राम का नाम चुपचाप घंटा सुबह शाम जपना शुरू कर दो। यकीन मानो आपके कर्मों की वो काली परछाई कब उड़ जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा और आप अति भाग्यशाली बन जाएंगे। टेंशन किसी चीज का हल नहीं होता। जितनी आप टेंशन लेंगे उतना शरीर, जिस्म और रूह दोनों ही बर्बाद होते हैं। सोचना इंसान का कर्म है, कर्म करना भी इंसान का कर्म है, लेकिन अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। हद से ज्यादा कर्म करते हो सकता है वो आपके सेहत के लिए जायज ना हो। हद से ज्यादा सोचना टेंशन का कारण बन जाता है। इसलिए सोचो, हिम्मत करो, कर्म करो, मालिक पे छोड़ो। आपका काम मेहनत करना है। जितने शरीर में सामर्थ्य है, शक्ति है, कर्म करो। जितना दिमागी तौर पे अच्छे कर्म कर सकते हो करो। आगे मालिक जाने, उसका काम जाने, टेंशन ना लो। टेंशन लेने से, रोने धोने से अगर किसी का काम सफल होता तो सारे कुंबे को उस पर लगा दो, सारा परिवार ही लग जाए रोने धोने कि ठीक है भाई, आप जितने ज्यादा रोओगे उतना ज्यादा काम बनेगा। नहीं, बल्कि घर में गम, दुख, दर्द, चिंता की, परेशानियों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए टेंशन ना करो, सुमरन करो, मेहनत करो। कर्म करना इंसान का फर्ज है। कर्म योगी बनो और सुमरन करो। जो आप सोचते हैं हो सकता है मालिक वो पूरी करने को तैयार बैठा हो, पर आप किसी भय की वजह से या मन की वजह से सुमरन ना करते हो, मालिक को अपनी बात ना कह पाते हो, वो तो आपकी कमी है। और ये हकीकत है, लोग अपने में कमियां नहीं निकालते, जो भी कमी निकालता है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला में, समझ लीजिए उसके बुरे दिनों की शुरुआत है। क्योंकि राम कभी किसी का बुरा नहीं करता, अपने हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारते हैं, दोष देते हैं दूसरों को। नहीं, आप टेंशन ना लीजिए, अपने हाथों कुल्हाड़ा मारा है तो मरहम पट्टी राम नाम से करो, सुमरन करो, भक्ति करो, वो जख्म भरेगा और हो सकता है जो आप चाहते हो मालिक करने को तैयार बैठा हो। पर आपकी चाहत उस तक पहुंचे ये जरूरी है। बोल के, भावना से, सुमरन से आप अपनी चाहत, अपनी इच्छा मालिक तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी इच्छा सुने ना, पूरी ना करे। नाजायज है तो मुश्किल है, जायज है तो 100% वो सुनेगा। समय लग सकता है क्योंकि जिसे वो प्यार मोहब्बत के खजाने लुटाता है उसे अजमाता है। क्या पता आप थोड़ी सी बात में निंदा चुगली बुराइयां करनी शुरू कर दी हों, जिससे मालिक भी चुप हो जाए। इसलिए दौर कैसा भी समय का है, लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान ना देखे। आपका क्या फर्ज है, अल्लाह मालिक की भक्ति करना, नेक कर्म करना, सेवा करना, क्योंकि वो सेवा कोई हिस्सा नहीं बटा लेगा। जितनी आप सेवा करेंगे, जितना परमार्थ करेंगे, वो आपके ही भाग्य को चमकाएगा।
सुमरन करोगे आपकी आत्मा को सुकून शांति अमन चैन देगा। ये सोच के कहीं सेवा ना छोड़ देना, फला आदमी टोंट कसता है, फला आदमी बुरा बोलता है, फला आदमी गलत कहता है, उसका क्या जाएगा? आपने सेवा छोड़ दी, सुमरन छोड़ दिया, सब कुछ आपका बर्बाद हुआ। वो तो मजे लेंगे और उनको तो मजा आएगा कि बढ़िया हो गया, ये बर्बाद हो रहे हैं, अच्छा हो गया। सो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, गधे की तरह मन के पीछे ना चलो, दिमाग का इस्तेमाल करो। सेवा का हिस्सा कोई दूसरा बटा नहीं सकता, और किसी के कहने से सेवा करना ही छोड़ो ना, ये तो आपका अपना खजाना है। किसी की क्या ताकत आपको सेवा करने से रोकते? करेंगे धड़ल्ले से, कोई आपके खिल्ली उड़ाए कल तक तो करता नहीं था, ये नहीं वो नहीं, आप चुपचाप रहिए, शांति से अपना कर्म कीजिए और सुमरण कीजिए, क्योंकि ये दोनों आपकी निजी लाइफ पर्सनल जिंदगी के लिए बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं। तन मन धन से सेवा और ख्यालों से जीवा से किया गया सुमरण कभी भी फालतू नहीं जाता, कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी खुशियां ता उम्र आपकी झोली में आती रहेंगी। इसलिए ऐरा गैरा नत्थू खैरा आपको सेवा से हटा दे, सुमरण से हटा दे, ये आप कैसे सोच सकते हैं? बल्कि उनकी परवाह ना करो, उन्होंने तो छोड़ना है ही नहीं। संसार तो दो मुहा सांप है, आप सेवा नहीं करते, सुमरण नहीं करते, बिगड़ैल कहलाते हैं, तो भी उन्होंने आप पे टोंट कसते रहना है, लोगों में आपकी बदनामी करते रहना है। तो अच्छा ये नहीं है कि आप सुमरण करें, सेवा करें, उसकी अगर कोई बदनामी करेगा तो आपको वो की गई बदनामी का भी फल भक्ति के रूप में झोली में आएगा ही आएगा। तो इसलिए सुमरण कीजिए और सेवा कीजिए, हैंकड़ी में ना आइए, अहंकार में ना आइए, मन के हाथों मजबूर ना हो। कोई भी लाइफ है, जो भी आप चुनना चाहते हैं, आप शत्रुचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, त्यागी, तपस्वी, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको ये लिख के गारंटी दे सकते हैं, सुमरण और सेवा हर तरह की जिंदगी में सोने पे सुहागा ही नहीं, हीरे मोती जवाहरात का काम करता है। तो इसलिए लाइफ चुनना आपकी मर्जी, लेकिन सुमरण और सेवा कभी ना छोड़ो, कभी बेईमानी ना करो, बुरे कर्म ना करो, वो आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। लोगों का आपको बताया दो मुंह का सांप है कि ये किसी को नहीं छोड़ते, ना भक्तों को छोड़ते हैं, और भक्ति करना छोड़ देना उनको छोड़ते हैं, तो क्यों ना भक्ति की जाए, सेवा की जाए। लोग आपकी निंदा करेंगे, वही आपकी झोली में भक्ति के रूप में कन्वर्ट होकर आता रहेगा। सेवा आप कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कल तक बड़ा फन्नेखा बनता था, हाथ नहीं लगाता था, ये वो, जितना वो बोल रहे हैं उनकी भक्ति कट के आपकी झोली में आती जाएगी। कितने मजे की बात, तो आप करें तो सही, बाकी मर्जी आपकी भाई। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, कलयुग है ये घोर कलयुग, जी माने ना माने उसकी मर्जी। तो विदेशों से बात करने वाले हैं जी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और डार्विन ऑस्ट्रेलिया से, बोलो बात करो भाई जल्दी से शॉर्ट में। हाँ जी बोलो। पिता मैं आप जी का बेटा लक्की इंसान मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो बोल रहे हैं पिता जी। जी बेटा। पिता जी आप तीनों ते सारी साथ संगत नूं आप जी दे पवित्र गुरगद्दी दिवस महीने की लख लख बधाई होवे जी। आशीर्वाद बेटा। पिता जी आप जी की नवी कैसट कसमा यार का बहुत वधिया जी, पिता जी करदा सुनी जाइए पिता जी। थैंक यू पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद। पिता जी आप जी की दया मेर सदका साडी पीआर दी फाइल खुल गई है पिता जी। पिता जी ओहदे लई असीं एलबरी जाना है पिता जी, दया मेहर करना जी, आशीर्वाद देना जी कि असीं उत्थे सैट हो जाइए पिता जी। सिमरन करो और पूरी पैरवाई करो बेटा और पूरी स्टडी कर लो। जी जी पिता जी सतवचन जी। पिता जी आग्ञा होवे तां मैं कृष्णा सुना सकदा पिता जी? शॉर्ट च बेटा, थोड़े शब्दां च। जी जी पिता जी। पिता जी मैं आप जी दया मेहर नाल 2010 विच जनवरी दा भंडारे लई इंडिया आया सी पिता जी। उस तो पहला पिता जी मैं आप जी को शाही खजाने वाला सिक्का लैन लई अर्जी कीती थी पिता जी। पिता जी आप जी ने कहा सी जदों इंडिया आए तां पांडे जी नाल गल कर लेना। पिता जी मैं वो सिक्का लैन लई पांडे जी कोल गया ते मैं उन्हां नूं कहा कि मैनूं शाही खजाने वाला सिक्का चाहीदा है। पिता जी उन्हां ने मैनूं एक सिक्का दे दिता, पर मेरे मन विच तीन सिक्के लैण दी
जी क्योंकि मैं चौदह ही एक सिक्का मेरी वाइफ ने मिल जाए देखी मेरी मम्मी ने, पर उन्होंने कहा कि भाई जी हुक्म एक का होया इसलिए एक ही मिलेगा। पिता जी मैं वो सिक्का अपने पर्स की साइड वाली जेब से पा लिया। पिता जी जो मैं घरे गया तो मेरी मम्मी ने शाही खाने वाला सिक्का दिखाने लिए मैंने कहा, जो मैं आपकी पर्स की साइड वाली जेब खोली तो पिता जी और दो सिक्के पे सन जी, एक वो नवा सिक्का जो आपने दिता सी एक थोड़ा जहा पुराना सी। पिता जी नवा सिक्का मैं अपने को रख लिया, पुराना सिक्का मैं नारा ला के अपनी मम्मी देता। पिता जी जी पिता जी जो मैं मेलबोर्न आया था मेरे दिमाग में यही सी कि मम्मी वाला सिक्का तो मिल गया पर मेरी वाइफ नू सिक्का नहीं मिलिया। पिता जी जो मैं मेलबोर्न आया था मैं आपकी वाइफ नू सिक्का दिखाने लिए पर्स खोलिया तो उस विच फिर दो सिक्के पे सी पिता जी, एक नवा एक थोड़ा पुराना। पिता जी जी पिता जी उस तो सिक्का गुम हो गया जी। पिता जी इसलिए असं माफी चाहते हैं पिता जी। जी बेटा माफ है, मालिक ने तो इच्छा पूरी करती सी बेटा, हुण अगे तुसी संभाल नहीं पाए तो गल अलग है, सो कोई गल नहीं सिमण करो। ठीक है पिता जी। सत बजे जी पिता जी आप जी दया मेरे नाल नवी गड्डी लई सी पिता जी, चाबी ते दृष्टि पाउणी है पिता जी। हाँ शो बेटा सुखण ना नहीं होवे, आराम नाल चलाओ बेटा। जी पिता जी, पिता जी असीं नवंबर दा भंडारा सौण लई इंडिया आ रहे हैं, पिता जी आशीर्वाद देना जी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा। पिता जी जे टाइम हैगा तां वाइफ गल करना चाहते पिता जी, दो मिनट लई सिर्फ पिता जी। जी हेलो पिता जी, दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी पिता जी, मैं आपकी बेटी रुपिंदर सा बोल रही हूँ जी। पिता जी हम अगर आपके उपकारों को सारी जिंदगी भी बयान करते रहे तो सुना नहीं पाएंगे पिता जी, इसलिए हम तो सिर्फ आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं पिता जी। बस पिता जी यही अरदास करती हूँ कि पिता जी आप मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखना और सुमरन और सेवा का दांत बख्शना पिता जी। जी पिताजी हमने हलवा बनाया है, दृष्टि डाल के प्रसाद बना दो जी। जी बेटा प्रसाद बन गया, सब लोग लेना बेटा, सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, आशीर्वाद बेटा। पिताजी दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। दान दान सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। हाँ जी बोलो। पिताजी मैं आप जी का बेटा विपुल इंसान डार्विन ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ पिताजी। बोलो जी। पिताजी आप जी को शाही परिवार को सीमत साध संगत को गुरु गति दिवस की ऑस्ट्रेलिया की पूरी साध संगत की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से अनेकों बार बधाई हो पिताजी। आशीर्वाद बेटा। पिताजी आप जी कैसे हैं जी? बेबराज की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आपकी की बेशुमार रहमत के सारे जी रहमत जी, पिताजी आपकी बहुत रहमत जी। जी पिताजी आप जी के बेटे का जन्मदिन ये पिताजी 23 सितंबर को पिताजी, यानी कि परसों पिताजी मेरा जन्मदिन है पिताजी। हाँ जन्मदिन मुबारक हो बेटा, अच्छे नेक इंसान बनना, बचनों पे रहना बेटा। पिताजी बहुत शुक्रिया पिताजी। पिताजी बस आशीर्वाद देना की मैं आप जी का दोनों जानों में नाम रोशन कर सकूँ, सातों चरणों के कभी भी हाथ ना हो और आप जी से प्रेम प्यार पिताजी दिन दुखनी राज्यों की बढ़ता ही रहे पिताजी पर, और पिताजी आपकी प्रमोल निभाने पिताजी। मैं बचनों पर रहेगी बेटा, सुमन करो सेवा करो, मालिक साथ है बेटा। जी पिताजी। पिताजी मेरे भविष्य के लिए आप जी ने रास्ता दिखाना और पिताजी आप जी उस पर चलाएं जी पिताजी। जी आशीर्वाद बेटा, मेहनत करो मालिक साथ, अच्छे कर्म करो बेटा। जी पिताजी। पिताजी यहाँ पे चेस्ट स्पॉन्सरशिप की फाइलें खुली हुई है पिताजी, रहमत करना की आप जी को जैसा मंजूर हो वैसा लो पिताजी। बस हिम्मत से पैरवाई करो बेटा। जी पिताजी। पिताजी परिवार वाले शादी की लड़की देख रहे हैं पिताजी और बहुत टेंशन भी ले रहे हैं पिताजी, पिताजी आपकी रहमत करना की जैसा आप जो मंजूर हो पिताजी वैसा पिताजी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है जी। जी बेटा सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे बेटा। जी पिताजी। पिताजी पूरे परिवार का नारा कबूल करना और पिताजी पूरे परिवार को अपने चरणों से मैं और नहीं चाहे पिताजी, और आपस में प्रेम प्यार बना रहे और आपसी में सेवा सिमरन में मन लगे पिताजी, आशीर्वाद देना पिताजी। जी आशीर्वाद। जी पिताजी आप जी ने पिताजी ऑस्ट्रेलिया साथ का मस्तों मस्त रूप नाइट का पिताजी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया पिताजी, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी, आप जी आशीर्वाद देना की मैं उसे अटेंड कर सकूँ, वह आप जी के अलौकिक नजारे ले सकूँ पिताजी दिन भरी में पिताजी। जी बेटा आप सब सत्संग चाह रही थी तो वो आपको मंजूर हो चुका है, सो आशीर्वाद बेटा।
पिता जी बहुत शुक्रिया पिता जी। पिता जी बस ये बादाम रखे थे प्रसाद बना देना भी पिता जी, मैं आप जी करके बस मिलकर सुनूंगा पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद प्रसाद बन गए सुबह सुबह मान लो कि मालिक से प्यार बढ़े बेटा आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी और ये दिन दुखी मध्य बैंक में 21,000 रूपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरण उपरांत नेत्र दान का अपन नवम्बर कर रहे हैं, स्वाखी दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम प्रवीण इंसा, पुत्र सतनाम चंद इंसा जी का निवासी पनिहारी जिला सरसा हरियाणा। लड़के का नाम सुमन इंसा, पुत्री राज सिंह जी की निवासी नंगल जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। देखा ये नौजवान शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 8,000 रूपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्र दान का परम 2 मेंबर और शरीर दान का 3 मेंबर पर अगर दोनों दान महादान आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम नवदीप इंसा, पुत्र बग्गा सिंह इंसा जी का निवासी लहरा मोहब्बत जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम नेहा इंसा, पुत्री प्रेम कुमार जी की निवासी है बठिंडा जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। और प्यारी सत्संग जी आपने देखा शादी वाले दोनों परिवार आए, शादी के दिन तन मन धन से दिन दुखी मध्य करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। लाइव मैसेज है सुरेंद्र इंसा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी पीआर के लिए सिलसिले में एडिलेड में रॉक हैमिल्टन जाना है, बचनों पे रहिए, सुमन कीजिए, आगे बढ़िए बेटा आशीर्वाद। नसीब सिंह इंसा एब्सपोर्ट कनाडा से, वे सुनील इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, पेरेपिटिकल ड्राइविंग टेस्ट है रहमत करना आशीर्वाद बेटा, बचनों पे रहिए आगे बढ़िए। गगनप्रीत इंसा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी मेरा आईलेट्स का एग्जाम है, आशीर्वाद बेटा आगे बढ़ो। विदेश से आए भगवंत इंसा सर्विसी कैनेडा, बहुत स्वागत बेटा जी आए न, आशीर्वाद प्रसाद ले लो, मालिक खुशी दे बेटा आशीर्वाद। विदेश वापिस जाना गुरविंदर इंसा, प्रसाद ले जाना बेटा और सारी सत्संग को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां बख्शे, स्वागत बेटा आशीर्वाद। पदौड़ बरनाला तो आए और दिन दुखी मध्य बैंक में 5,500 रूपये उनकी याद में जमा करवाए। खड़े हो जाइए जी, इनके लड़के ने छोड़ा छोड़ा, खड़े हो जाइए, नाम लिया हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं, इनके पिता ने छोड़ा छोड़ा, नाम लिया था और दिन के मध्य बैंक में 12,300 रूपये जमा करवाते हैं जी। और परिवार दोनों तरफ आए, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, तो जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आयो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरहम भी देता है, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। सो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आयनो शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना जी, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा जी। धनन सतगुरु तेरा ही आश्रम।
थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।